हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंडियन फूड खजाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भरवा आलू मसाला इडली। तो अगर आप नॉर्मल इडली खा कर बोर हो गए हैं तो इसे ट्राई कीजिए। इसमें आपको सांभर बनाने का भी झंझट नहीं है, इसे आप शाम के टाइम या सुबह कभी भी फटाफट बना सकती हैं और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप सूजी ली है। सूजी आपको यहाँ फाइन वाली चाहिए। साथ ही लिया है 1 कप दही। तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी आप सूजी ले रहे हैं उतना ही आपको दही लेना है। इसके साथ ही लिया है 1 मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, साथ ही थोड़ा सा अदरक लिया है बारीक कटा हुआ, 2 बॉयल आलू लिए हैं, थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं, करी पत्ता लिया है। इसके साथ ही लेंगे कुछ बेसिक मसाले। तो मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ली है, थोड़ा सा गरम मसाला, हींग ली है, साथ ही लिया राई, जीरा और हल्दी पाउडर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यह सूजी हमें फाइन वाली चाहिए। तो मेरे पास जो सूजी है वो मोटी वाली है, तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी फाइन सूजी तैयार है, ये देखिए। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दही डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जितनी सूजी ले उतना ही आपको दही लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी इडली है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगी। तो दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से पीट लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बस दही और सूजी को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे राई। राई हमारी जैसे ही तड़कने लगे तो इसमें डालेंगे हम जीरा 1 छोटी चम्मच। इसके साथ ही डालेंगे करी पत्ता, बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज। और गैस का फ्लेम हम यहाँ मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिलाएंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा अदरक। प्याज को यहाँ हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही सोटे करना है। तो जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हम आलू मैश कर लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें मैश किए हुए आलू और इसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपने जो मसाले रखे थे वो, इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला लिया था वो डालेंगे। और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी बारी कटी हुई धनिया डालेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा खट्टापन जरूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे। साथ ही आलू के जो मोटे मोटे चंक्स रह गए थे तो उसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे, तभी हमारी स्टफिंग है वो बहुत बढ़िया बनेगी। तो यहाँ बैटर हमारा जो रेस्ट पर था तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। तो इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह का इसका बैटर बना लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। और यहाँ हम अपनी आलू की स्टफिंग के छोटे छोटे गोले बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद बैटर में हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और सांचे में तेल लगाकर तुरंत ही हम बैटर को
उसमें डालेंगे। यहाँ पर हमें बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो क्या है ना कि ओवर कवर हो जाएगा और इडली को फूलने का भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर डाल लेंगे हम आलू की स्टफिंग और इसे अच्छे से हम बैटर से कवर कर देंगे। यहाँ इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे गैस पर रखते हैं स्टीमर को, और इसमें रखते हैं सांचे 15 से 20 मिनट के लिए। इसे हम कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 20 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी इडली अच्छे से फूल गई है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार हमारी इडली बन करके तैयार है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए यहाँ 1 चम्मच तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई, मूंगफली के दाने डालेंगे, साथ ही इसमें 5 से 6 करी पत्ता डालेंगे। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे एक लाल मिर्च मोटी वाली कटी हुई बारीक, ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है फ्रेंड्स। इसे हल्का सा हम भूनेंगे। और इसे हम इडली के ऊपर अच्छे से डालेंगे। ये देखिए हमारी इडली बनकर के तैयार है। इसके लिए आपको सांभर बनाने की भी झंझट नहीं है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, चाहे तो नारियल की, मूंगफली की चटनी, किसी के साथ मैंने यहाँ हरी चटनी के साथ सर्व किया है। ये देखिए एक तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये टूट रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट मुलायम हमारी इडली बनकर के तैयार है, और ये चटनी से खाने में ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे आप एक बार बनाइए, खिलाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।